अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह आज हम ये सीखने वाले हैं कि आप YouTube गेमिंग वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो भी Canva में। तो इसके लिए आपको जैसे पता होगा कि Canva ओपन करें, यहाँ पर आपने लिखना होता है YouTube गेमिंग वीडियो, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है YouTube गेमिंग वीडियो। इसके बाद आपको ये वाला सेशन दिखाई देगा YouTube गेमिंग वीडियो वाला, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप किसी खास चीज़ के लिए बना रहे हैं, लाइन वाला या पिंक वाला YouTube गेमिंग या जो भी एलिस्ट्रेशन अगर आप चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं, तो जो भी चाहते हैं, तो स्टाइलिंग में अगर आप मॉडर्न चाहते हैं, बोल्ड चाहते हैं, जो भी मतलब चाहते हैं, बॉर्डर्ड वाला चाहते हैं, बॉर्डर जिसका हो सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट करें या फिर वैसे ही कोई सा भी सिलेक्ट करें। क्योंकि हम गेमिंग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, तो बनाने से पहले ही आपको पता होगा कि आप किस के लिए क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप इनमें से कोई सी भी वीडियो को सिलेक्ट करें, वीडियो न्यू विंडो में ओपन होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि इसके भी वैसे ही सेशन बने होंगे, लेकिन इसका एक ही है जो कि 5.9 सेकंड का है। कोई बात नहीं, प्लस पे ऐड करके आप जितने मर्जी चाहें ऐड कर सकते हैं, मतलब जितने आपके ऐड की लेंथ होगी या वीडियो की लेंथ होगी। गेमिंग के लिए बना रहे हैं, डिलीट करता हूँ मैं इसे, प्ले करके चेक करते हैं एक दफ़ा। तो जैसा कि आपने देखा, ये अप नेक्स्ट यानी कि किसी नेक्स्ट आने वाली चीज़ या कमिंग सून वगैरह का है, तो हम यहाँ पे कमिंग सून लिख देते हैं, यानी कि हमारी गेम अगर आने वाली ये जो भी, यहाँ पे हम डॉट्स वगैरह लगा देते हैं, ऐसे लगे जैसे कि आगे जा रहा है। इसको हम लगा देते हैं थोड़ा सा बड़ा, कलर हम कर लेते हैं इसका वाइट, ठीक है। अब हम इसके इफेक्ट में आके स्टाइल चेंज करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, जो भी आपको पसंद है, ये वाला वैसे अच्छा लग रहा है। लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं बल्कि ये वाला। तो इसके बाद लिखने के बाद आप दोबारा से अब देखेंगे तो एनिमेशन ये होगी। इसके बाद यहाँ पर भी आप चेंज करके कुछ भी अपनी गेम के मुताबिक लिख सकते हैं, बेस्ट गेम या जो भी आपको पसंद है, इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं सिंपली। इस पे यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से 21 की जगह आप 120 लिख लें, लेकिन जो भी आपको पसंद आए, मतलब उसके मुताबिक आप देख लें कि साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद चला करके देखें, अगर आपको ये पसंद आता है तो ठीक, नहीं तो अपना यहाँ पर एडिट करें अपना लोगो या जो भी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, अपनी पिक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अपना लोगो यहाँ पे लाएं, उठा करके यहाँ पे रखें, आ जाएगा, आपको पता ही होगा अपनी लोगो या अपनी पिक। इसके बाद फाइनली जब रेडी हो जाए, तो आपने तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा MP4 सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करें, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।